हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल डिस्कस ऑल द 10 बुक्स रिलेटेड टू योर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल प्रिपरेशन, और ये 10 की 10 जो बुक्स हैं वो स्पेसिफिकली यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के लिए हैं। तो मैं आपको इन जर्नी से लेके जाना चाहती हूँ ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करें कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं और कई बार आप क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या इन बुक्स के बाद कोई और बुक रिफ़र करनी पड़ेगी, और क्या ये बुक सफिशिएंट है या नहीं सफिशिएंट है, क्या ये नोट्स हैं या बुक्स हैं, ऐसे कई तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारी की सारी बुक्स के थ्रू गो थ्रू करवाऊंगी, एक ओवरव्यू दूंगी ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग खुद ले सकें इन बुक्स को रेफ़र करने के बाद, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी 2 बुक्स का एनालिसिस कवर अप कर लिया है, टैक्सेशन का और FM का, ठीक है। विद टाइम टू टाइम हम सारी बुक्स का जो है एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज की जो बुक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंट्स की है, ठीक है। तो चलिए हम अपने जो रूल मेनली हम देखते हैं कि क्या सिलेबस है और क्या हमारे इंडेक्स में वो कवर अप किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं हमारे सामने सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, और इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस। तो हम देख सकते हैं अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस, ये 2 एक अलग पॉइंट्स हैं। देन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंशन है और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम दिया हुआ है और फुल स्टॉप लगा है, यानी इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके। तो हम देख सकते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 100 पेजेस पे कवर अप किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। देन थर्ड नंबर पे आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस, इंक्लूडिंग बोनस शेयर, राइट शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड बायबैक। तो हम देख लेते हैं इसे। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन सेपरेटली कवर अप कराया गया है, ठीक है। बोनस शेयर सेपरेटली है, राइट शेयर सेपरेटली है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है आपका सेपरेटली गिवन है, और बायबैक ऑफ सिक्योरिटी सेपरेटली गिवन है। तो आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, देखिए बोनस एंड राइट, वी हैव बोनस एंड राइट, एंड देन वी हैव अ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड बायबैक, देन वी हैव अ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड बायबैक। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो हम देख सकते हैं हमारा ये दिया हुआ है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, एंड देन वी हैव अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो लास्ट पॉइंट हमारा एमलगमेशन का है, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया कि सिलेबस के सारे पॉइंटर्स कवर है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं वो पॉइंटर्स कवर्ड कैसे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो बहुत ही रिलेवेंट होता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मैंने एडहॉक बेसिस पे खोल दिया है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये देखिए EPS दिखा हमारे सामने सबसे पहले, तो हम देख सकते हैं EPS अर्निंग पर शेयर में सारी चीज़ें बुलेट्स में दी हुई हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो, इसलिए जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है आपके जो है फोकस होना चाहिए वहाँ पे बोल्ड कर दिया गया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग क्या है, पोटेंशियल मतलब मीनिंग भी बताई गई ताकि आप ले जो है ना फील करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है, उसे सेपरेटली, और AS के साथ साथ एंड AS का भी रेफरेंस दे दिया गया है ताकि जो है आपको दोनों चीज़ों का नॉलेज रहे प्रॉपरली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर को सेपरेटली एक्सप्लेन किया गया है, उनकी मीनिंग एंड फिर बुलेट में दिया है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है कि आपका ध्यान देना चाहिए कि नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर दी पीरियड जो है आफ्टर डिडक्टिंग जो है प्रेफरेंस डिविडेंड हो, तो आफ्टर डिडक्टिंग पे अंडरलाइन कर दिए ताकि स्टूडेंट का फोकस है एंड पे अंडरलाइन कराया है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंटर्स पे अगर आप स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बुक रेफर की हुई है या आप परचेज़ करने का सोच रहे हैं, तो आपने अगर ऑलरेडी बाय की हुई है तो आप ये पॉइंटर्स का मैक्सिमम यूज़ करेंगे, हर जगह पे इन्हें कवर अप किया गया है बोल्ड हेड्स में और अंडरलाइनिंग की गई है जो पर्टिकुलर एरियाज में, डज नॉट इंक्लूड, कई बार जो है ध्यान निकल जाता है तो अंडरलाइनिंग की गई है और बोल्ड एरियाज में भी आपको मेंशन किया गया है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सारे पॉइंटर्स आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बेसिक को हमने देखा कि 2 पेज में तो इन्होंने बेसिक को एक्सप्लेन किया, फिर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सेपरेटली पूरी थ्योरी जो है हमारे सामने जो है वो मेंशन है और डिफरेंसेस भी मेंशन है,
और इस AS का, AS5 से डिस्क्लोजर का क्या लिंकेज है, या किसी एक पर्टिकुलर AS का दूसरे AS के साथ क्या लिंकेजेस है, वो भी आपके नोट्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सेपरेटली, डिस्क्लोजर को सेपरेटली मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस भी बताया गया है AS और NDAs के बीच में। ठीक है, तो आपने देखा डिफरेंस भी कवर अप किया गया है AS और NDAs के बीच में, क्योंकि आपको इंटरव्यू तक ही, आपको ये मान करके चलना है कि आपको इंटरव्यू तक बैठना है, तो आपको प्रिपरेशन वैसी करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, देखिए आपको AS और NDAs दोनों का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, एंड देन बुलेट्स में सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारी बुलेट में है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को सेपरेटली एक्सप्लेन किया गया है, प्रेजेंटेशन पे सेपरेटली फोकस किया गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है सेपरेटली, इन्वेस्टिंग को सेपरेटली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एंड देन फाइनेंसिंग को सेपरेटली। ठीक है, फिर उसके बाद जो आइटम्स हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसके अंदर जो डायरेक्ट मैथड है और इनडायरेक्ट मैथड है उनको अलग से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देख सकते हैं बेसिक कनेक्ट कराया जा रहा है आपको, ये मान करके कि आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो हमने एक आइडिया ले लिया कि फॉरेन करेंसी के जो कैश फ्लोज हैं उनको भी कैसे डील करना है, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर्स आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड्स हैं आपका, टैक्सेशन है आपका। ठीक है, एक ओवरव्यू मैं बस आपको दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए बिफोर परचेजिंग, और डिफरेंस बिटवीन NDAs और AS भी हर जगह कवर है। ठीक है, हम एक बार ये भी आपको कनेक्ट कराएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। ठीक है, वो भी कवर है। एक मिनट, हमें गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, बिल्कुल आपको बेस से कनेक्ट कराएगी कि आप पढ़ क्यों रहे हो इस टॉपिक को। ठीक है, उसके बाद उसके पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं, लिमिटेशंस वगैरह हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको कवर अप कराई गई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने अभी ये देखा, कैश फ्लो को भी देखा हमने। ठीक है, फिर ये कैश फ्लो से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल हैं, फुल फ्लेज न्यूमेरिकल हैं आपके। ठीक है, तो आपने देखा इस जर्नी में। ठीक है, हम एक और एडहॉक बेसिस पे आपको एरिया में कनेक्ट कर ले रहे हैं कि कौन सा चैप्टर है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल, मैंने आपके सामने एडहॉक बेसिस पे ओपन किया है ये। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के थ्रू आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो है सारी बेसिक सी बातें जो हैं आपको कवर अप कराई गई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर आपका शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्म है बैलेंस शीट का, एंड आपका PNL का फॉर्म है। फिर उसके बाद मैनेजरियल रिन्यूमरेशन को सेपरेटली डिस्कस किया गया है डिटेल में, फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपकी जो बुक है UPSC कॉमर्स ऑप्शनल से स्पेसिफिक आपकी, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है। हर एक बुक के क्रिएशन पे काफ़ी अच्छे से समय स्पेंड किया गया है, साइकोलॉजिकली एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व है। लाइक क्यों ये कलर चूज़ किया गया, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप जब भी डिफरेंट कलर्स की बुक उठाते हैं तो आपका जो माइंड है वो एक जो है रीगेन होता है, और एक एनर्जी क्रिएट होती है ताकि आप उस पर फुल कॉन्सेंट्रेट करें। और बुक आपको आइडेंटिफाई करने में, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बारीकी बातों का ध्यान रखा गया है कि आपका टाइम सेव हो। कई बार स्टूडेंट वो एनालाइज ही नहीं कर पाते, लेकिन एट एंड हम जो चाहते हैं कि आपका मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, वो आपको इस बुक से मिलेगा। तो आई होप मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कम्प्लीटली UPSC कॉमर्स ऑप्शनल की बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। एक जनरल क्वेरी आती है कि इन बुक्स को कहाँ से बाय करना है, तो हम आपकी प्लेटफॉर्म में सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही है, क्योंकि वो इंडियन कंपनी है, तो इसलिए हमने फ्लिपकार्ट पे ही अवेलेबल कराया। बट फ्लिपकार्ट के अपने जो कुछ कमीशन और पैकेजिंग कॉस्ट है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो वो कॉस्ट आपकी वहाँ पर बढ़ जाएगी, या आपकी चॉइस है। अगर आप वहाँ से चाहो तो आप वहाँ से ले सकते हैं, और अदरवाइज आप कॉन्फिडेंटली आप टीम से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी जो फ्लिपकार्ट की कमीशन और पैकेजिंग कॉस्ट है वो माइनस हो जाती है, और आपको नेट पे मिलता है। प्लस आपको डायरेक्ट बाय करने पे आपकी ईमेल आईडी वगैरह ली जाती है, ताकि आपको न्यूज़ अपडेट्स, अगर आप एलिजिबल ऑप्ट करते हैं प्रोग्राम्स को, तो आपको न्यूज़ अपडेट्स हो गया, NCERT का कवरेज हो गया, रिविजन कराना हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो जाती हैं। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। आप ऐसे ही जुड़े रहें, मैं और भी बुक से आपको कनेक्ट कराऊंगी ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग जो है कॉन्फिडेंटली ले सकें। सो स्टे कनेक्टेड, टेक केयर एंड बाय बाय।